that. क्या मालूम है हमें? We know that gauge pressure is equal to rho g h or h is vertical height of free surface above the point of concern. हमें मालूम है, ठीक है, यह हमें मालूम है कि रोजेज दिस आगे, ये हमें पहले से मालूम है. दूसरा पॉइंट में आप देखेंगे प्रेशर एट ए पॉइंट एट ए पॉइंट एक्स एक्स इन ऑल डायरेक्शन. किसी पॉइंट में प्रेशर सारे डायरेक्शन में एड करता है, ये आज का नोट पॉइंट है. किसी एक पॉइंट में प्रेशर एड्स इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है. ये मत सोचना कि प्रेशर हरदम डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है या अपवर्ड कर रहा है, ऐसा नहीं है. किसी एक पॉइंट में प्रेशर एड्स इन ऑल डायरेक्शन, कहने का मतलब ये हुआ कि हम बताएं आपको, ऐसा एक डिवाइस रहता है जिसको हम कहते हैं गॉज मीटर. ऐसा एक डिवाइस रहता है, एक सिलिंड्रिकल थिंग रहता है, इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा रहता है, ठीक है. यहां पर रीडिंग्स लिखा रहता है 1 2 3 4 5 ऐसे. अगर इसको लेके हम किसी एक लिक्विड में डुबाएंगे, इसको क्या कहते हैं, गॉज मीटर. क्या करता है, टू मेजर द प्रेशर. क्या करते हैं, अगर ऐसा कोई एक डिवाइस को लेके हम किसी एक लिक्विड में दबाएंगे तो लिक्विड इसको प्रेस करेगा. जब प्रेस करेगा तो क्या होगा, ये दबेगा, अंदर दबेगा तो यहाँ का रीडिंग दिखने लगेगा. तो जितना जोर से प्रेशर होगा उतना ज्यादा अंदर दब जाएगा, जितना अंदर दब जाएगा उतना रीडिंग निकल के आएगा. रीडिंग देख के हम पता कर सकते हैं कि यह गॉज मीटर है, तो कितना गॉज प्रेशर है, ठीक है. एक छोटा सा डिवाइस जानने के लिए आपको बताएगा. तो ये जो स्टेटमेंट है इसको समझाने के लिए मैं कहूं कि अगर कोई एक लिक्विड कंटेनर में, कोई एक लिक्विड कंटेनर में, ये एक लिक्विड कंटेनर है, इसमें कुछ लिक्विड रखा हुआ है, और एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें यहां पे गॉज मीटर को ऐसे रखोगे या फिर ऐसे रखोगे या फिर ऐसे रखोगे, हाँ, या फिर ऐसे रखोगे, हर केस में आपका रीडिंग बराबर आने वाला है. हर एक केस में आपको रीडिंग बराबर मिलेगा. तो क्या कहेंगे, हियर अगर ये ए बी सी और डी है, तो आपको मिलेगा, अगर ऐसे रखेंगे गॉज मीटर को, यू सी रीडिंग इज सेम इन ऑल केस, ठीक है. ये कोई गॉज मीटर है और गॉज मीटर को किसी लिक्विड में रखें, मतलब इधर से जितना प्रेशर आ रहा है इधर से उतना ही आ रहा है, इधर से उतना ही आ रहा है, नीचे से उतना ही आ रहा है. मतलब अगर हम कहेंगे कि यहां पर कोई एक छोटा सा बॉडी रखे हैं, इसके ऊपर प्रेशर चारों तरफ से बराबर आ रहा है, चारों तरफ से बराबर प्रेशर आ रहा है, समझ में आ गया, ठीक है. सो प्रेशर एक्स इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस. दूसरा इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट हम कहेंगे, एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल
It seems horizontal level in a homogeneous liquid. Homogeneous liquid. It same horizontal level in a homogeneous liquid. Pressure remains same. Pressure remains same at all points. कहने का मतलब है मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊं कि suppose I say this is a liquid container और मान लो कि इसमें कोई एक चीज ऐसे झूल रहा है, कोई एक चीज ऐसे फ्लोट कर रहा है, ऐसा कोई चीज फ्लोट कर रहा है, तो इसका जो वेट है, इस बॉडी का जो वेट है वो भी तो आ रहा है, तो यहां पे जितना प्रेशर होगा यहां पे उतना ही प्रेशर होगा, यहां पे उतना ही प्रेशर होगा, यहां पे उतना होगा, यहां पर उतना होगा, हर जगह बराबर होगा। अगर ये नहीं होता, ये ब्लॉक यहां पर फ्लोट नहीं किया होता, तब तो प्रेशर बराबर होता, रो जी एच बराबर है, समझ में आ रहा है। ये ब्लॉक फ्लोट करने के बावजूद प्रेशर हर जगह बराबर है, यहां पे हर जगह प्रेशर बराबर है, ए बी सी डी ई। क्या ये एग्जांपल समझ में आ रहा है? हम कहेंगे प्रेशर एट ए इज प्रेशर एट बी इज प्रेशर एट सी एंड सो ऑन एट प्रेशर एट ई। ठीक है, छोड़ दीजिए क्यों, ये तो हो गया प्रेशर एट डी एंड प्रेशर एट ई, हर जगह प्रेशर बराबर होगा। ये मत सोचना कि इसके सीधे में ज्यादा प्रेशर होगा, इधर को कम प्रेशर होगा, प्रेशर हैज टू बी सेम। इनफैक्ट होता हुई है, जहां पर रखे वहां पर ज्यादा प्रेशर होता है, लेकिन मान लो कि यहां पर ज्यादा प्रेशर हुआ और यहां पर कम प्रेशर हुआ, तो लिक्विड विल फ्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर जोन टिल द प्रेशर इज बैलेंस, ऑटोमेटिकली प्रेशर बैलेंस हो जाता है। तो यू विल सी प्रेशर एट एवरी पॉइंट इज सेम। ध्यान रखना, स्टेटमेंट को लिखते वक्त मैं एक वर्डिंग यूज किया हूं, दैट इज इन ए होमोजेनियस लिक्विड। यहां पर हर जगह बराबर लिक्विड है, सेम लिक्विड इज देयर, तो हम कहेंगे प्रेशर इज सेम एट ऑल दिस पॉइंट्स। अगर लिक्विड सेम नहीं होता तो प्रेशर सेम नहीं होता, तो प्रेशर सेम नहीं होता। लेट अस सी फॉर एग्जांपल, सपोज मैं कहूं कि यहां पर दूसरा एग्जांपल लेता हूं। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक यूट्यूब है, आपको यूट्यूब देखने में ज्यादा मजा आता है, तो ये एक यूट्यूब है। तो इस यूट्यूब में हुआ क्या कि मान लो इसमें कुछ लिक्विड रखा हुआ था, मान लो कुछ वाटर रखा हुआ था, मैं इधर से ऑयल डाल देता हूं, ऑयल डाल दूंगा तो ऑयल भरेगा इसमें, ऑयल तो वाटर में डूबेगा नहीं, लेकिन ऑयल का अपना वेट है, उसके चलते वाटर का ये लेवल को नीचे दबा देगा, तो क्या हो जाएगा, ये लेवल वाटर का नीचे आ जाएगा, ये लेवल वाटर का ऊपर आ जाएगा। नाउ यू सी ऑयल इज अप टू दिस पॉइंट, ठीक है, ये क्या है ऑयल, ये क्या है वाटर, इट्स सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, प्रेशर इज सेम। दिस मिसकंसेप्शन शुड नॉट बी टेकन कि यहां का प्रेशर और सेम लेवल में यहां का प्रेशर, प्रेशर एट ए इज नॉट इक्वल टू प्रेशर एट बी, समझ में आना चाहिए। दो इट इज एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, बट द लिक्विड इज नॉट सेम, समझ में आ रहा है क्या? लेकिन अगर मैं कहूं कि यहां पे कोई एक पॉइंट है सी और उसके सीधे में इधर एक पॉइंट है डी, तो हम कहेंगे प्रेशर एट सी इज सेम एज प्रेशर एट डी। सी और डी का प्रेशर बराबर है बिकॉज दे आर इन द होमोजीनियस लिक्विड, सेम लिक्विड में है, ये अलग अलग लिक्विड में है, सेम सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर बराबर नहीं होगा, है ना। ऐसे भी देख के समझ में आ रहा है, यहां पर गॉस प्रेशर कितना है, जीरो, ये तो सरफेस में है, लेकिन यहां पर गॉस प्रेशर जीरो नहीं है, ये लिक्विड के लिए है, सो यहां का प्रेशर बराबर नहीं है,
क्योंकि यहाँ पर गॉज प्रेशर है इस लिक्विड के चलते, यहाँ पर गॉज प्रेशर जीरो है क्योंकि इससे ऊपर कोई लिक्विड नहीं है। कहने का मतलब है बी में और ए में प्रेशर बराबर नहीं होगा, लेकिन डी और सी में प्रेशर बराबर होगा। क्या ये दो चीज आप लोगों को हजम हुआ? दो चीज, एक तो हुआ प्रेशर एक्स इन ऑल डायरेक्शंस, प्रेशर एक्स इन ऑल डायरेक्शंस एट ए पॉइंट। दूसरा हुआ एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल फॉर ए होमोजेनियस कंटिन्यूअस लिक्विड द प्रेशर इज सेम। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट को यूज करके किस किस्म के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेट अस सी। नाउ आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस टू वर्क आउट। क्या दिया है यहां पर, कोई एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है, ए क्यूबिकल ब्लॉक, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड लेंथ, साइड लेंथ एल इज फ्लोटिंग इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी डेंसिटी रो एज शोन। ठीक है, तो क्या पूछा है, ये कोई एक लिक्विड है और इसमें कोई एक ब्लॉक फ्लोट कर रहा है, क्यूबिकल ब्लॉक है। ठीक है, और ये क्यूबिकल ब्लॉक है तो हम कहेंगे कि ये डेप्थ h है, दिया है ये h डेप्थ तक गया है। अच्छा, h डेप्थ तक दोबारा ऐसे फ्लोट कर रहा है, इस लिक्विड का डेंसिटी रो है। फाइन मास ऑफ द ब्लॉक, ये ब्लॉक का मास कितना है। अरे बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, कोई ब्लॉक लिक्विड में फ्लोट कर रहा है और उस ब्लॉक का मास हमें निकालना है। दिया है कि ब्लॉक का शेप क्यूबिकल है, साइड लेंथ इसका एल है, जिस लिक्विड में फ्लोट कर रहा है उस लिक्विड का डेंसिटी रो है। ठीक है, अच्छा ठीक है, पता ही है करना। सोचो तो हम कहेंगे कि ये ब्लॉक गिर क्यों नहीं रहा है, व्हाई दिस ब्लॉक इज नॉट फॉलिंग, व्हाई दिस ब्लॉक विल फॉल, बिकॉज ऑफ इट्स वेट। अगर वेट मास इसका एम हुआ, वेट उसका mg हुआ, वेट उसका mg हुआ, mg के चलते गिर जाना चाहिए, गिर नहीं रहा है क्योंकि प्रेशर इज अप्लाइंग ए फोर्स लाइक दिस। ठीक है, तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे, लेट द प्रेशर जस्ट बिलो द ब्लॉक इज इक्वल टू रो जी एच। हाँ, यहां पे ये डेप्थ एच दिया है, ये डेप्थ एच दिया है, तो जस्ट बिलो प्रेशर कितना होगा, रो जी एच। हाँ, फोर्स एग्जर्टेड बाय लिक्विड कितना है, इट इज प्रेशर इनटू एरिया। क्या आप बता सकते हो कौन से एरिया पे ये फोर्स आ रहा है, नीचे वाला एरिया है ना। अगर ये क्यूबिकल ब्लॉक है, अगर कोई ये क्यूबिकल ब्लॉक है, हर सरफेस का एरिया तो आपको मालूम है कितना है, एल स्क्वायर, ए इज एल स्क्वायर है कि नहीं, सो दैट इज इक्वल टू रो जी एच एल स्क्वायर है कि नहीं, रो जी एच एल स्क्वायर मिल गया। क्या मिल गया, मिल गया द फोर्स ड्यू टू लिक्विड। अब फॉर फ्लोटिंग एट रेस्ट, क्यों फ्लोट कर रहा है भाई, ये ब्लॉक को ग्रेविटी
खींच रहा है और लिक्विड कुछ फोर्स दे रखा है, तो हम क्या कहेंगे, ये कब फ्लोट करेगा, फॉर फ्लोटिंग एट रेस्ट एफ मस्ट बी इक्वल टू और mg मस्ट बी काउंटर बैलेंस्ड बाय एफ, जितना जो उसे ग्रेविटी खींच रहा है उतना ही फोर्स लिक्विड दे रहा है, इसीलिए तो रेस्ट में है। ये बॉडी रेस्ट में क्यों है, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, है नहीं? अगर फोर्स ऊपर की तरफ F है, नीचे की तरफ mg है और बॉडी मूव नहीं कर रहा है, मतलब द टू फोर्सेस मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट, सो F मस्ट बी इक्वल टू mg, और mg का वैल्यू क्या हो गया, डाल देते हैं F का वैल्यू, रो जी एच एल स्क्वायर, एक जी दूसरे जी को खा गया, मिला मास ऑफ द ब्लॉक इज रो एच एल स्क्वायर। क्या सबको समझ में आया? आ गया ना? चलिए चलिए, नाउ आई वांट टू गिव द सेम क्वेश्चन स्लाइटली डिफरेंटली, मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों का दिमाग क्या सचमुच काम कर जा रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ मास m एंड साइड लेंथ ऑफ मास में डेंसिटी ऑफ डेंसिटी रो एंड साइड लेंथ l इज फ्लोटिंग इन वाटर, चलो फाइंड गॉज प्रेशर जस्ट बिलो दी ब्लॉक, ब्लॉक के जस्ट नीचे कितना है प्रेशर, गॉज प्रेशर। आपको दिमाग लगा के थोड़ा सोचना है कि प्रेशर क्या होगा, क्या दिया है, कहीं एक लिक्विड कंटेनर है, वाटर टैंक है, जिसमें कोई ब्लॉक फ्लोट कर रहा है, जिस ब्लॉक का डेंसिटी मालूम है और साइड लेंथ मालूम है, डेंसिटी ब्लॉक का पहले लिक्विड का दिया था, अब ब्लॉक का दिया है, ब्लॉक का डेंसिटी कितना है, अच्छा तो यहां पे प्रेशर कितना है पूछा गया है, ठीक है। अभी थोड़ा चलो मिलके सोचते हैं, ये ब्लॉक के नीचे कुछ प्रेशर है तो हम क्या कहेंगे, ब्लॉक के नीचे कुछ फोर्स भी तो है और mg है कि नहीं, तो हम कहेंगे F फोर्स एग्जॉर्टेड बाय लिक्विड ऑन ब्लॉक जस्ट एट द बेस इज इक्वल टू, ये ब्लॉक रेस्ट में है, ये लिक्विड कोई फोर्स दे रहा है, दैट मस्ट बी इक्वल टू mg, है ना, ब्लॉक रेस्ट में है तो एफ मस्ट बी इक्वल टू mg, तो प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर जस्ट बिलो क्या हो जाएगा, जस्ट बिलो इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, कितना एरिया पे ये फोर्स आ रहा है, एल स्क्वायर, क्योंकि एक क्यूबिकल ब्लॉक है, साइड लेंथ एल है, तो नीचे का सरफेस एरिया कितना होगा, एल स्क्वायर, सो इट इज एफ बाय एल स्क्वायर, एफ क्या है mg, mg by L square, क्या सबको समझ में आया, yes sir, mass भी निकाल सकते हैं, yes, अब अगर मैं बोलूंगा कि m निकालना है तो m कितना होगा, m क्या है, mass of the block, where m is mass of block, कैसे निकालेंगे, it is density of the block इनटू वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक दिया हुआ है रो, और वॉल्यूम क्या है, ये क्यूबिकल है तो वॉल्यूम तो एल क्यूब, है ना,
सो 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 क्या मिला, सो मिला प्रेशर जस्ट बिलो, क्या हो जाएगा प्रेशर इज एम जी बाय एल स्क्वायर इज इक्वल टू रो एल क्यूब जी बाय एल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रो एल जी इट इज रो एल जी द प्रेशर इज रो एल जी। ये वाटर हो या ग्लिसरीन हो या मर्करी हो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्रेशर तो इसके वेट के चलते बैलेंस हो रहा है कि नहीं। क्या ये चीज समझ में आया सबको? ठीक है ठीक है। अगर ये चीज समझ में आया तो मैं इसको थोड़ा भी घुमा दूंगा, थोड़ा सा मैं अभी घुमा दूंगा और कहोगे कि अगर Q का साइड लेंथ L है तो प्रेशर जितना होगा 2L है तो प्रेशर विल बी डबल। देखो ये जो प्रेशर है वो डायरेक्टली Q का साइड लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ठीक है। मैं आपको फिर से क्वेश्चन पूछूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा दिमाग लगाना है आपको। अब हुआ क्या है यहां पे, क्वेश्चन नंबर 3 में एक कंटेनर है, ठीक है एक्वेरियम है, सोचो एक्वेरियम पे पानी रखा हुआ है और इस एक्वेरियम को हम क्या किए हैं एक सिंगल पॉइंट सपोर्ट के ऊपर ऐसे बैठा के रखे हैं। नाउ इट इज सिटिंग, बीच में अगर लगा देंगे सपोर्ट होगा कि नहीं होगा? कोई पेन है, ये पेन को अगर हम बीच पॉइंट में ऐसे सपोर्ट दे देंगे ये रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ऐसे है कि नहीं? तो वैसे एक्वेरियम को हम एक पॉइंट में सपोर्ट दे रखें। ध्यान से देखना, दिमाग लगाने वाली खेल है। और क्या हुआ यहाँ पर, एक कछुआ है, कछुआ कछुआ ऐसा, ठीक है। अब एवरीथिंग इज स्टेशनरी, द सिस्टम इज एट रेस्ट, ठीक है। तो ये जो कछुआ है, ठीक है ये कछुआ यहां पर है और सिस्टम इज एट रेस्ट। इन फिगर सोन, इन फिगर सोन दी दी बॉक्स ऑफ वाटर इज जस्ट सपोर्टेड एट मिडल ऑफ इट, ठीक है जस्ट सपोर्ट किया गया। अच्छा इफ मिडिल ऑफ इट, इफ द कछुआ टॉर्टोइस मूव्स टू राइट द बॉक्स विल टपल टू व्हिच साइड, सोचना है आपको ब्लॉक्स विल टपल टू व्हिच साइड। अगर ये कछुआ चलते चलते इधर आ गया ये बॉक्स किधर को गिरेगा, बॉक्स विल टपल टू व्हिच साइड ये आपको सोच के बताना है। तो कोई व्हिच साइड मतलब आपको कहा इधर जाएगा ये राइट को गिर जाएगा नहीं ये लेफ्ट को गिर जाएगा कि क्या होगा आपको सोच के बताना है। कुड यू फॉलो द क्वेश्चन फास्ट, क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस yes, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब ये कछुआ अगर चलते हुए जाएगा तो ये किधर को गिरेगा, ठीक है सोल्यूशन देखते हैं। चलो सोचते हैं, चलो सोचते हैं। जब ये बॉक्स यहाँ पे था इसमें लिक्विड रखा हुआ था और ये यहाँ पर सपोर्ट में था तो क्या हुआ था कि ये सिस्टम रेस्ट में था, क्यों? क्योंकि ये जो लिक्विड है ये यहाँ पर कुछ प्रेशर लगा रहा होगा, प्रेशर के चलते कुछ फोर्स लगा रहा था। जो फोर्स, अगर ये फोर्स इस पॉइंट में इस बॉडी को ऐसे गिराने की कोशिश करे यहां से कोई चीज को दबा देंगे तो गिर जाएगा इधर को, है कि नहीं? सिमिलरली इधर का लिक्विड भी यहां पे कोई फोर्स लगा रहा था
इधर को गिराने की कोशिश कर रहा था, और क्योंकि ये मिड पॉइंट में था, जस्ट ए मिनट, क्योंकि ये सपोर्ट मिड पॉइंट में था तो दोनों तरफ बराबर फोर्स आ रहे थे, है कि नहीं। मान लो कि एक डंडा है, डंडे को यहां पर सपोर्ट में रखे हैं, इधर जितना फोर्स इसको पुश कर रहा है, इधर उतना ही फोर्स पुश कर रहा है, ये फोर्स ऐसे गिराने की कोशिश कर रहा है, ये ऐसे गिराने की कोशिश कर रहा है, ये नहीं गिरेगा क्योंकि दोनों तरफ फोर्स बराबर है। सिमिलरली यहां पर जितना फोर्स था यहां पर उतना ही फोर्स था, ये फोर्स इधर गिराने की कोशिश कर रहा था, ये इधर गिराने की कोशिश कर रहा था, तो हम कहेंगे इनिशियली F1 and F2 are equal. So the box was at rest. Now, जब कछुआ चलने लगा, थोड़ा ध्यान से देखो, जब कछुआ चलने लगा, अब ये है कछुआ आ गया घूम के देखने के लिए किधर से गिरने वाला है। अब घूम के देख रहा है कछुआ, सपोर्ट तो यहाँ पर है, क्या मुझे बताओगे F1 बढ़ेगा कि घटेगा, F2 बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। अरे हम क्या बोले थे, प्रेशर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर ही सेम, यहाँ पर जितना प्रेशर है यहाँ पर उतना ही प्रेशर है, यहाँ पर जितना फोर्स आ रहा है वहां पर इतना ही तो फोर्स आ रहा है, क्या ये गिरेगा? हाँ वो तो गिरेगा ही नहीं। असलियत तो ये है कि ये कछुआ मूव करे या ना करे, हर जगह प्रेशर बराबर है, प्रेशर बराबर है, तो पहले यहाँ पे जितना फोर्स आ रहा था अभी उतना ही फोर्स आएगा, चाहे कछुआ कहीं भी हो जाए, है कि नहीं। सो इधर आफ्टर the tortoise moves, the forces does not change. Why change? Because as pressure at same horizontal level remain same, pressure at same horizontal level, horizontal level रिमेन सेम, प्रेशर बराबर रहेगा, है कि नहीं। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर दस बॉक्स किधर को गिरेगा, लेफ्ट को कि राइट को? तो बॉक्स यस डज नॉट टपल, डज नॉट टपल, बॉक्स डज नॉट टपल। क्या चीजें सबको समझ में आया? Yes sir, sir. आ गया, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, द वर्टिकल यूट्यूब shown has some water and some oil. यहां पर कोई एक YouTube है, ये vertical YouTube है, इसमें कुछ oil है और कुछ water है, तो ऑब्वियस है कि जो वाटर का लेवल दोनों तरफ अलग अलग रहेगा और ऑयल यहां तक रहेगा। चलो दिया है कि ये ऑयल है, ऑयल है, कितना लेंथ का है, से ये 20 सेंटीमीटर का है, ठीक है। पूछा है इफ डेंसिटी of oil is, density of oil is 0.8 gram per cc, find difference in, difference h in the water level,
sides of the tube. आपको पता करना है, दिया क्या है, ये वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर है, और इधर क्या हुआ, इधर कुछ ऑयल रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर का, ये क्या है, ऑयल है। बोला है कि जो वाटर लेवल है दोनों तरफ उसका हाइट डिफरेंस कितना है, डिफरेंस फाइंड द डिफरेंस हाइट, और फाइंड हाइट डिफरेंस ऐसे लिख सकते हैं, फाइंड हाइट डिफरेंस। H, height difference H in the water level on the tube, two sides of the tube. जो water level है, उसका दोनों तरफ का height अलग-अलग होगा, difference कितना है? ये पूछा गया। क्या आप लोग सोचने की जरूरत कर सकते हो? करो, करो, करो। You can think. देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कितना इंटरेस्टिंग चीज दिया है, दिया है कि ये है ऑयल और ये है वाटर, जैसे ऑयल डाल दिए, ऑयल इसके सर पे बैठ गया तो दबा दिया, ये वाला लेवल ऊपर आ गया, ये लेवल डिफरेंस पता करना है। हम क्या बोले थे कि एट हॉरिजॉन्टल लेवल इन ए होमोजेनियस लिक्विड प्रेशर इज सेम, है ना। अगर हम कहेंगे ये पॉइंट है ए और ये दूसरा पॉइंट है बी, तो हम कहेंगे ए, सॉल्यूशन में ए से कहेंगे ए, ए एंड बी आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इन सेम लिक्विड, देयरफॉर देयरफॉर प्रेशर एट ए प्रेशर एट बी मस्ट बी सेम। अब ये पॉइंट से ऊपर क्या है, सिर्फ ऑयल है, तो दिस इज प्रेशर ड्यू टू ऑयल, प्रेशर क्यों लिखेंगे, सीधा फॉर्मूला लिख देते हैं, यहां पर प्रेशर ड्यू टू ऑयल क्या होगा, डेंसिटी ऑफ ऑयल जी इनटू हाइट ऑफ ऑयल 20, दैट इज इक्वल टू प्रेशर एट बी इज डेंसिटी ऑफ वाटर g into height of water, value डाला जाए, pressure of oil is 0.8 gram per cc, g तो g को खा गया, चलो, h of oil is 20 centimeter, density of water, क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे कि 1000 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि इधर लिखे हैं ना 0.8, तो इधर लिखेंगे 1, और h, hw क्या है, height of water from b, it is same as h, तो मिल गया h का वैल्यू 16 सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ h इज 16 सेंटीमीटर। क्या सबको समझ में आया, यस, वैल्यू ऑफ h इज 16 सेंटीमीटर, है ना। चल आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वर्टिकल क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 5, ए वर्टिकल यूट्यूब, ए वर्टिकल यूट्यूब हैज 3 डिफरेंट लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज रो 1, रो 2, रो 3 एज शोन, फाइंड वैल्यू ऑफ h, वैल्यू ऑफ h गिविंग लेवल डिफरेंस between top three surfaces, top three surface के बीच में जो level difference है उसको h कहो, और h कितना है कहो, ये पूछा गया है, this is h, पूछा है बताओ what is h,
तीन अलग अलग लिक्विड है, ये लिक्विड है, पहला लिक्विड है डेंसिटी रो वन, दूसरा लिक्विड है डेंसिटी रो टू, ये तीसरा लिक्विड है डेंसिटी रो थ्री। पूछा है बताओ लेवल डिफरेंस एच ऑन द टॉप थ्री सरफेसेस, क्या आप लोग ट्राई करोगे? ठीक है, थोड़ा यहां पर वैल्यूज भी दे देते हैं, थोड़ा वैल्यूज भी दे देते हैं। से ये रो वन है, ये 2020 लिखा है, चलो इसको हम कहेंगे फाइंड एच जीरो, इसको हम एच जीरो ना दे देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लिखने में आसान होगा। ये भी एच है, ये भी एच है, वैल्यू क्यों देते हैं, सारा तो अननोन क्वांटिटी, ये एच है, ये एच है, क्या पूछा है? फाइंड वैल्यू ऑफ एच जीरो, एच जीरो एच नॉट द हाइट डिफरेंस गिविंग लेवल डिफरेंस बिटवीन टॉप थ्री सरफेसेस। ठीक है, चलिए अब कोशिश करिए। चलिए आप में से कुछ लोग ट्राई कर चुके हैं, कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं, अब मैं करता हूं और चलो मिलके सोचते हैं कि क्यों नहीं हो रहा था। चलो आप थोड़ा ध्यान से देखो इसको, और जिनका नहीं हुआ उन लोग बताने की कोशिश करना, क्या ये पॉइंट में और ये पॉइंट में प्रेशर बराबर होगा? यस सर नो, नो, सेम हाइड्रेटेड लेवल होने से क्या हो गया, दो अलग अलग लिक्विड हो गए। क्या ये पॉइंट में और ये पॉइंट में प्रेशर बराबर होगा? नो, अगेन दे आर टू डिफरेंट लिक्विड्स। क्या ये पॉइंट में और ये पॉइंट में प्रेशर बराबर होगा? यस यस, तो हम कहेंगे एज ए एंड बी आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इन सेम लिक्विड, प्रेशर एट ए मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट बी। अच्छा देखो ये एच है, ये एच है, और ये इससे एच नॉट ऊपर है, क्या आप लोग गेस कर सकते हो ये डिफरेंस कितना होगा? सेम एच नॉट ही होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। नाउ प्रेशर एट ए किसके लिए हो रहा है? रो वन के लिए, रो वन जी एच, ये हाइट। प्रेशर एट बी, यहां पे प्रेशर किसके लिए हो रहा है? यहां पे तो इसका भी प्रेशर आ रहा है, और ये जो लिक्विड है इसका भी प्रेशर आ रहा है, कौन? थर्ड लिक्विड का, सेकेंड लिक्विड का प्रेशर तो है, उसका वेट तो है, उसके साथ साथ इस लिक्विड का भी प्रेशर यहाँ पे है, तो आप कितना कहोगे? तो कहोगे प्रेशर एट बी क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर रो टू जी एच प्लस इसका प्रेशर, ये कौन सा लिक्विड है? रो थ्री, रो थ्री जी एच नॉट। तो फिर तो ये जी दोनों तरफ से गया, क्या मिल गया? एच नॉट इज इक्वल टू रो वन एच माइनस रो टू एच बाय रो थ्री, यस रो वन माइनस रो टू बाय रो थ्री होल इन टू एच, क्या बन गया था? यस मस्त है, तो मतलब आप लोग कितना बढ़िया सोचते हो, है कि नहीं, कितना इंटरेस्टिंग है। आपको सोच के ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि कौन सा दोनों पॉइंट में प्रेशर बराबर होते हैं, तभी जाके आपका आंसर निकल पाएगा। क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूं? यस। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो हम लोग अभी तक तीन नोट पॉइंट देखे, पहला हुआ इन द एक्सप्रेशन ऑफ रो जी एच, एच इज द वर्टिकल हाइट ऑफ थ्री सरफेस ऑफ लिक्विड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंसर्न। दूसरा देखे फॉर ए होमोजेनियस लिक्विड एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर इज सेम। तीसरा देखे प्रेशर एट एनी पॉइंट एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शंस। तीनों चीज को हम लोग देख चुके हैं। आगे आगे अगर हम कहेंगे क्वेश्चन ये है, टोटल प्रेशर थ्योरी पॉइंट्स है, टोटल प्रेशर एट एनी पॉइंट इज ऑर्डिनरी सम ऑफ प्रेशर्स ड्यू
अब हम बात करें टोटल प्रेशर का। जैसे हम कहेंगे कि ये कोई एक कंटेनर है, एग्जांपल देते हैं, सपोज हम कहेंगे ये कोई एक कंटेनर ऑफ लिक्विड है, इस कंटेनर में कोई लिक्विड नहीं था, हवा था, तो आप क्या कहोगे, व्हाट इज द प्रेशर हियर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर हियर विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सपोज हम कहेंगे इसमें हम कोई लिक्विड भर दिए जिसका डेंसिटी रो है और हाइट एच है, नाउ एट ए टोटल प्रेशर, एट ए इज इक्वल टू सारा जो फ्लूइड इसके साथ कंटेक्ट में, एयर भी है ये है, तो हम कहेंगे इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू दी फ्लूइड, दैट इज रो जी एच। मोर ओवर अगर मैं आपको कोई दूसरा केस देता हूं, सपोज हम कहेंगे यहां पर कोई एक लिक्विड कंटेनर है, इसमें अलग अलग लिक्विड रखा हुआ है, ये डेंसिटी रो वन का है जिसका हाइट है एच वन, ये डेंसिटी रो टू का है जिसका हाइट है एच टू, और कोई पूछा बताओ व्हाट इज द प्रेशर एट ए, तो आप कहोगे प्रेशर मींस आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर एट ए कितना हो जाएगा, क्या कोई स्मार्टली मुझे बताएगा, एटमॉस्फेयर के लिए तो आएगा ही, यस यहां पर भी एटमॉस्फेयर के लिए आ रहा था, इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इस लिक्विड के लिए रो वन जी एच वन प्लस रो टू जी एच टू, सारा प्रेशर को जोड़ के रिजल्टेंट प्रेशर आपको निकालना है, ठीक है। नाउ कीपिंग दिस पॉइंट इन माइंड, मैं आपको एक छोटा सा चीज बताना चाहता हूं, सोचो कि हम किसी एक लिक्विड ड्रिंक को, जैसे मान लो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, हाउ इट ड्रिंक इट, पीते कैसे, यूजिंग ए स्ट्रॉ, तो क्या करते हैं, वी सॉक दी लिक्विड, बट लिक्विड तो नीचे बॉटल में, उसको कैसे सॉक कर सकते हैं, हम लोग लिक्विड को कैसे स्ट्रॉ के थ्रू से पी लेते हैं, हमें समझना ये मैकेनिज्म को, बड़ा इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है, ठीक है। यहां पे कोई एक लिक्विड है, यहां पर कोई एक स्ट्रॉ है, आप क्या करते हो, आप जानते हो कि the pressure here is only atmospheric pressure, pressure here is also atmospheric pressure, here is also atmospheric pressure, हाँ नीचे लिक्विड के लिए कुछ आएगा, और जो यहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है इट इज बिकॉज ऑफ द एयर, और अगर ये स्ट्रॉ का ये वाला फेस खुला है इसके अंदर भी एयर है, तो आप जानते हो कि एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर विल बी सेम, सो एयर प्रेशर हियर 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 आर सेम। ध्यान से थोड़ा देखना क्या बोल रहा हूं मैं, व्हेन यू ट्राई टू ड्रिंक दिस लिक्विड, आप यहां से एयर को सक करके निकाल देते हो, एयर इज सक्ड आउट, जैसे एयर निकल गया अब इसके अंदर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं रहा, इसके अंदर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं रहा, लेकिन हम तो जानते हैं सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर तो बराबर होना ही होना है, जैसे मान लो जस्ट इस पॉइंट में बात करेंगे तो क्या होगा, यहां का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां का प्रेशर कम हो गया है क्योंकि आप एयर निकाल लिए, एयर रहेगा तब ना प्रेशर रहेगा, एयर निकाल देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा तो यहां पर क्या हो गया, क्योंकि हम एयर को कम कर दिए हैं तो प्रेशर यहां पर कम हो गया, तो प्रेशर तो हर जगह बराबर होना है, ये हाई प्रेशर में या लो प्रेशर में, तो क्या होगा, लिक्विड विल पुश इनटू दिस, और ये लिक्विड चढ़ने लगेगा, कितने ऊपर तक, उतना ऊपर तक चढ़ेगा जितना ऊपर चढ़ने के बाद इस लिक्विड का प्रेशर यहां पे और ये प्रेशर तीनों बराबर हो जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मान लो कि ये कोई एक लिक्विड कंटेनर है और यहां पर हर जगह प्रेशर पी जीरो है, ठीक है। अब इसमें से जो एयर था हम एयर को सक करके निकाल दिए, अब थोड़ा सा एयर बच गया तो थोड़ा सा प्रेशर हो गया, अब मान लो प्रेशर घट गया, कितना हो गया, अब ये पी डैश
पहले यहां पे प्रेशर कितना था, P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, एयर को सक करके निकाल दिए, एयर नहीं तो प्रेशर कहां, तो प्रेशर घट गया, पूरा एयर नहीं निकाल, थोड़ा सा कुछ एयर निकाल दिए, थोड़ा सा कुछ निकाल दिए तो प्रेशर घट गया। अब यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, PdS, यहां पर P0, यहां पर P0, लेकिन सेम लेवल पे प्रेशर को बराबर रहना है, तो क्या होगा, ये लिक्विड चढ़ जाएगा कुछ ऊपर तक। अब क्या होगा, ये जो लिक्विड के चलते जो प्रेशर बनेगा वो GH प्लस PdS, इधर नेट प्रेशर हियर, टोटल प्रेशर हियर, व्हाट इज द टोटल प्रेशर हियर, टोटल प्रेशर हियर इज रो GH प्लस PdS, टोटल प्रेशर हियर इज P0। और जब तक रो GH प्लस PdS बिकम्स सेम एज P0, तब तक ये लिक्विड उठता रहेगा ऊपर, लिक्विड उठा तो फिर ये बढ़ा, बढ़ने से एक समय आएगा जब ये दोनों इसके बराबर हो जाएंगे, समझ में आ रहा है, बराबर हो जाएंगे, तो जब बराबर हो जाएंगे ये लिक्विड वहीं पे रुक जाएगा, अब तीनों केस में प्रेशर बराबर। अभी अगर आप और भी एयर सक करके निकाल दिए, ये जो प्रेशर PdS था ये और भी कम हो जाएगा क्योंकि एयर निकाल जा रहा है। अगर सारा एयर खींच के निकाल दिए तो, अगर सारा का सारा एयर को निकाल दिए तो ट्यूब के अंदर वो जो हमारा स्ट्रॉ है, जो पाइप है, उस पाइप के अंदर क्या प्रेशर है, एयर है ही नहीं, तो प्रेशर कहां से आएगा, जीरो, प्रेशर जीरो हो गया तो लिक्विड चढ़ेगा, 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 कितना ऊपर, उतना ऊपर तक चढ़ेगा ताकि यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बने। क्या आपको समझ में आ रहा है? सोचो, सोचो कि यहां पे कोई एक लिक्विड कंटेनर है, मान लो ये मर्करी, ठीक है, और यहां पर कोई एक एम्प्टी ट्यूब है, ये एक एम्प्टी ट्यूब है, कोई पूछेगा यहां पर प्रेशर कितना है, आपको हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पे भी, यहां पे भी, सपोज यहां से हम कोई एक सक्शन पंप को यूज किए, सारा एयर को बाहर निकाल दिए, सारा एयर को निकाल दिए, अब इसके अंदर कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं रहा, लेकिन प्रेशर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल हैज टू बी सेम, व्हाई, बिकॉज़ इफ देयर इज अ डिफरेंस फ्लूइड विल फ्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। तो अब यहां पर अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन यहां पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, तो लिक्विड विल पुश इन, तो क्या होगा, ये लिक्विड चढ़ने लगेगा, कौन, मर्करी, इसमें गुरु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 
ताकि यहाँ की प्रेशर बराबर हो जाए। यहाँ का प्रेशर क्या था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने के लिए लिक्विड को कितना चढ़ना पड़ेगा? ये मर्करी है, यू नो 76.8 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है क्या? मतलब ट्यूब लगा के अगर सॉक करके सारा एयर इसमें से निकाल देंगे तो ये जो मर्क्यूरी इसके अंदर था बेटा कितने ऊपर तक चलेगा? ये 76.8, उससे ऊपर और नहीं चलेगा, क्योंकि यहां तक चढ़ने के बाद यहां का प्रेशर बराबर हो गया है। रिवेटिंग। तो अगर आपको मर्क्यूरी किसी एक कंटेनर से सॉक करके पीना है, सपोज किसी कंटेनर से मर्क्यूरी को सक करके पीना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कितना लंबा ट्यूब रखना पड़ेगा? अगर आप ट्यूब रखोगे 80 सेंटीमीटर लंबा, जोर से भी सक करोगे तो मर्क्यूरी यहां तक चलेगा, उससे ऊपर नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपका ट्यूब का लेंथ 60 सेंटीमीटर है, सक करोगे तो मुंह में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? मर्क्यूरी को अगर सक करके पीना है, मजाक कर रहे हैं, पीना मत कभी ऐसे, अगर पीना है कितना लंबा ट्यूब लेना पड़ेगा? 76.8 सेंटीमीटर से ज्यादा या उससे कम? कम लेना पड़ेगा। ज्यादा लेंगे तो मर्क्यूरी चढ़ेगा ही। समझ में आ गया? सोचो कि कोई अगर मुझे पानी पीना है तो कितना लंबा ट्यूब होने से हम पानी पी पाएंगे? पानी कितना मीटर पानी का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है? 10 मीटर ऑफ वाटर इज अ प्रेशर सेम एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर कोई एक लंबा स्ट्रॉ लेंगे जिसका लेंथ 10 मीटर से भी ज्यादा है और जीरो जान लगा के हम सक करने की कोशिश करेंगे, पानी ऊपर नहीं आएगा। हाँ, उसका लेंथ अगर 10 मीटर से कम है तो हम पानी पी सकते हैं। रेडी, देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस यू मस्ट अंडरस्टैंड।
तो क्या हुआ, जब भी हम किसी एक स्ट्रॉ के अंदर किसी पाइप के अंदर की एयर को इवैपोरेट करते हैं, लिक्विड उसके अंदर राइज कर जाता है टू बैलेंस प्रेशर एट द सेम पॉइंट। और थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूं, द यूनिवर्सल गैस इक्वेशन जो तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे इज गिवन बाय पीवी इज इक्वल टू एनआरपी। इसमें पी क्या है, प्रेशर, वी इज वॉल्यूम, टी इज टेम्परेचर, एन इज अमाउंट ऑफ ठीक है ना, मेजर इन मोर, यू मेजर इन मोर, एन इज नंबर ऑफ मोर्स, मैं अमाउंट लिख रहा हूं क्योंकि नंबर ऑफ मोर्स इज द अमाउंट, यू कैन से 5 केजी है तो अमाउंट ऑफ राइस, 5 केजी राइस है तो अमाउंट ऑफ राइस इज 35 केजी, तो यूनिट अगर मोल में रहेगा तो हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट ऑफ गैस। अगर ये पीवी इक्वल एनर्जी आपको मालूम है, इसमें अगर टेम्परेचर जो था वही रहेगा, आर क्या है, आर इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट। तो किसी कंटेनर की वी वॉल्यूम की कंटेनर में अगर कोई गैस है जिसका प्रेशर पी है, टेम्परेचर टी है, n number amount n moles of gas is there, number of moles of gas, amount of gas in moles, n moles of gas is there, then the relation between p v n r t ho gaya absolute temperature, main temperature likha hu in absolute scale, to ye sab ke beech mein ye relation hai। ab socho koi ek container mein kuch gas tha, उसका प्रेशर पी था, उसका वॉल्यूम भी था, टेम्परेचर टी था, और उसमें मान लो 10 मोल ऑफ गैस था, सो हम कहेंगे पी वी इक्वल टू 10 आर टी, ठीक है। अब क्या किए, उस कंटेनर से हम 5 मोल गैस निकाल दिए, अब वॉल्यूम तो वही रहा, गैस का जो सिलेंडर था उसका वॉल्यूम वही रहा, वॉल्यूम वही रहा, टेम्परेचर वही रहा, आर कॉन्स्टेंट है, अब एन आधा हो गया, पहले 10 था हो गया 5, तो प्रेशर भी आधा हो जाएगा कि नहीं, that means by evacuating a gas the pressure changes। अगर हम कहेंगे कोई एक rigid cylinder के अंदर gas था p pressure में, उसमें से आधा gas बाहर निकाल दिए, अब अंदर का pressure कितना होगा, p/2, 1/3 gas बाहर निकाल दिए, 1/3 gas निकाल दिए तो what is the pressure inside, जो है क्या है, 2/3 है, so 2p/3, it will be 2p/3, समझ में आ रहा ना, तो जितना गैस रहेगा उसके हिसाब से प्रेशर होगा। कोई एक गैस सिलेंडर से, अगर रिजिड सिलेंडर से प्रेशर मान लो पी था और गैस का प्रेशर पी था, उसमें से हम 1/3 गैस बाहर निकाल दिए तो अंदर क्या रह गया, 2/3 गैस, एन का वैल्यू हो गया 2/3, पहले जितना था अब उसका 2/3 हो गया, तो प्रेशर भी हो जाएगा 2/3, मतलब 2p/3 हो जाएगा, समझ में आ रहा ना। अब आपको सोच के बताना ये है कि कोई एक सिलेंडर में कुछ गैस था और वो रिजिड सिलेंडर था, उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, उस गैस का प्रेशर था P0, प्रेशर क्या था P0, अब वो सिलेंडर से हम क्या किए, 1/5 पार्ट ऑफ द गैस रिमूव कर दिए, 20% गैस बाहर निकाल दिए, ठीक है। अब बताओ अंदर नया प्रेशर कितना होगा, व्हाट इज द न्यू प्रेशर इनसाइड, 20% निकाल दिए, रह गया कौन 80%, तो प्रेशर कितना होगा, 80% ऑफ द इनिशियल प्रेशर, यस इट विल बी 4p0/5, समझ में आ रहा ना, हाँ 4p0/5 मतलब 0.8p0, तो जितना गैस रहेगा उसके हिसाब से प्रेशर होगा। अगर हम किसी एक सिलेंडर से गैस को बाहर निकालने लगेंगे, एन का वैल्यू घटने लगेगा, वॉल्यूम रिमेन सेम, सिलेंडर का वॉल्यूम वही है, टेम्परेचर सेम, आर इज ए कांस्टेंट, तो एन घटेगा तो पी भी घटेगा, समझ में आ रहा है क्या, तो इससे हमें क्या समझ में आया, ये देखेंगे, इफ टेम्परेचर घटेगा नहीं, अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, मान लो कि कोई कॉपर सिलेंडर है, कंडक्टिंग सिलेंडर है, ठीक है, बाहर का जितना टेम्परेचर है अंदर का उतना टेम्परेचर है, अगर अंदर ठंडा होगा तो बाहर से हीट अंदर फ्लो कर जाएगा और टेम्परेचर फिर से बराबर हो जाएगा, शुरू में जैसे निकालेंगे निकाल रहे हैं तब हो सकता है कि थोड़ा ठंडा हो जाएगा, लेकिन ठंडा होने के बाद फिर से हीट अंदर आ जाएगा क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, तो फिर अंदर प्रेशर बैलेंस हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं स्टेडी स्टेट का,
फ्री स्टेट का, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इफ इन ए कंडक्टिंग सिलेंडर, इन ए कंडक्टिंग सिलेंडर, कंडक्टिंग मतलब थर्मली कंडक्टिंग, जिसके अंदर से हीट पास कर सकता है, इफ इन ए थर्मल इन ए कंडक्टिंग सिलेंडर गैस इज एट प्रेशर जीरो, देन बाय रिमूविंग 1/4 पार्ट ऑफ और 1/4 पार्ट ऑफ मास ऑफ गैस द प्रेशर इनसाइड एट प्रेशर इनसाइड इनसाइड फाइनली विल बी, फाइनली प्रेशर इसके अंदर कितना हो जाएगा, अगर हम कहेंगे 1/4 पार्ट का मास निकाल दिए बाहर तो प्रेशर कितना हो जाएगा, 3/4 है ना, 1/4 गैस निकल गया, n का वैल्यू 1/4 कम हो गया, सो इट रिड्यूसेस बाय 1/4, मतलब ये हो गया कितना 3n/4, यही तो अमाउंट ऑफ गैस है, ये 1/4 कम हो गया मतलब रह गया 3/4, तो प्रेशर हो जाएगा 3p0/4, क्या ये चीज आपको समझ में आ रहा है, पहले बताओ। यस सर। यस, तो ये पूरा डिस्कशन में से हमें समझ में ये आया, पूरा डिस्कशन में से हमें समझ में ये आया कि प्रेशर एट एनी पॉइंट इज ऑर्डिनरी सम ऑफ प्रेशर ड्यू टू ऑल फ्लुइड्स। दूसरा आया समझ में ये कि कि किसी एक कंटेनर में, कंडक्टिंग कंटेनर में कुछ गैस है प्रेशर पी जीरो में, अगर आधा गैस निकाल देंगे प्रेशर बन जाएगा फाइनली आधा, 1/4 गैस निकाल देंगे प्रेशर बन जाएगा 3p0/4, 3/4 गैस निकाल देंगे प्रेशर बन जाएगा p0/4, सारा गैस निकाल देंगे प्रेशर क्या बन जाएगा, जीरो, है कि नहीं। अच्छा, तीसरा आइडिया जो हम लोग लिए, किसी एक स्ट्रॉ लगा के हम लिक्विड को कैसे ड्रिंक करते हैं, हम उस स्ट्रॉ के अंदर की एयर को सक करके बाहर निकाल देते हैं तो अंदर प्रेशर कम हो जाता है, और स्ट्रॉ के बाहर वाले जोन में प्रेशर ज्यादा है, वहां से लिक्विड इसको पुश करके ऊपर ले आता है, कितना ऊपर तक लाएगा, उतना ऊपर तक लाएगा ताकि लिक्विड का प्रेशर यहाँ का हॉरिजॉन्टल लेवल का प्रेशर की बराबर हो जाए, ठीक है ना। जैसे जैसे मान लो, मैं आपको समझाने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन देना चाहता हूं, जस्ट अंडरस्टैंड, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देना चाहता हूं, आप बताओगे मेरे को, ठीक है। हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ए लिक्विड हैज डेंसिटी 4 g/cc, बहुत बहुत ही थिक लिक्विड है 4 g/cc। अब क्या हुआ है, ये लिक्विड में मैं क्या क्या हूं, ए ट्यूब जिसका लेंथ है से 8 meter और 6 meter, ठीक है, लिक्विड ए ट्यूब इज देयर ऑफ लेंथ 6 meter, इसका डेंसिटी कितना है 4 g/cc, ए थिन ट्यूब ऑफ लेंथ 6 meter इज हेल्ड इन इट एज शोन, find to what height the liquid will rise in the tube if
हार कंफ्यूजन छोटा ट्यूब 2 मीटर इफ हाफ ऑफ द एयर इन द ट्यूब इज सक्ड आउट, ठीक है, ये ट्यूब में जितना एयर था उसका आधा एयर को सक करके बाहर निकाल दिए, तो ये लिक्विड कितना ऊपर तक चढ़ेगा? ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या हो रहा है, मैं सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। आधा लिक्विड आधा एयर हम इसका निकाल चुके हैं, ठीक है, तो मैं फिगर को थोड़ा ड्रॉ करके बनाता हूं, यहां पर बड़ा करके ड्रॉ करता हूं। तो ये है लिक्विड, अब जिसमें जिसे एयर निकाल दिए, तो जैसे एयर निकाल दिए तो ये लिक्विड कुछ ऊपर तक चढ़ गया, कितना ऊपर मालूम नहीं, और आधा एयर निकाल दिए सॉल्यूशन। अच्छा, अगर इसके अंदर से आधा एयर को हम निकाल चुके हैं, जितना एयर था वो भी आधा हो गया है, तो आप क्या लिखेंगे, एज हाफ ऑफ द एयर इज रिमूव, द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब इज, पहले ये ट्यूब खुला था, इसके अंदर प्रेशर क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आधा एयर निकाल दी, अब प्रेशर क्या हो जाएगा, पी एटमॉस्फेरिक बाय 2 है कि नहीं, अब यहां पर प्रेशर कितना हुआ है, प्रेशर हुआ है पी एटीएम बाय 2 इज द प्रेशर। अच्छा, और हमें मालूम है कि हर जगह प्रेशर बराबर होगा, यहां का प्रेशर, यहां का प्रेशर, यहां का प्रेशर, ए बी सी हर पॉइंट का प्रेशर बराबर होगा, एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। देख लो कितना डिफिकल्ट है, थोड़ा जोर से दिमाग लगाओ, अब हर जगह प्रेशर बराबर करना है, एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर has to be same, तो हम कहेंगे प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। ए में जो प्रेशर है वो कितना है, वो तो खुले में है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जस्ट यहां पर क्या प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बी में जो प्रेशर है वो इस लिक्विड का प्रेशर है प्लस यहां का जो प्रेशर है, तो हम कहेंगे इट इज पी एटीएम बाय 2 प्लस रो जी एच। क्या चीजें समझ में आ रहा है, ये यहां पर तो दिया है, तो सिंपलीफाई करो क्या हो गया, PATM 2 को इधर ले आओ, PATM 2 को इधर ले आओ, तो क्या मिल गया, PATM by 2 this minus this is equal to rho gh, वैल्यू डाला जाए, रो कितना दिया है 4 ग्राम पर सीसी, जिसको आप कहेंगे 4000 kg पर मीटर क्यूब, जी जी तो 10 है, एच अरे ये तो पता करना है, अच्छा चलो ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो गया, हाफ इनटू 10^5 इज इक्वल टू 4000 इनटू 10 इनटू एच, क्या एच का वैल्यू 1.25 मीटर मिला, यस एच इज कमिंग आउट टू बी 1.25 मीटर। तो अभी इसमें जो हमारा जो हाइट आएगा लिक्विड कितना ऊपर तक चलेगा, इट विल बी कमिंग अप टू 1.25 मीटर। तो ये जो आया h इज इक्वल टू 1.25 मीटर, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आधा एयर यहां से बाहर निकाल देंगे तो यहां का प्रेशर को बैलेंस करने के लिए लिक्विड h हाइट तक चढ़ रहा है, और h का वैल्यू क्या हो गया 1.25 मीटर। इफ द लिक्विड राइजेस टू 1.25 मीटर और यहां का प्रेशर था हाफ ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड इज द प्रेशर हियर, नाउ प्रेशर इज सेम एट ऑल दिस पॉइंट्स। समझ में आया, थोड़ा इसको देखो और समझने की कोशिश करो, इसके ऊपर हम लोग और भी डिटेल्स में करेंगे क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, अगले क्लास के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।
अगर आपको ये चीज समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। अब ये क्वेश्चन ये है आपके लिए जिसको सोच के आपको YouTube में रिप्लाई देना है। तो कहानी था एक सुपरमैन का, एक तालाब में कुछ पानी था और यहां पर कोई सुपरमैन उड़ते हुए जा रहा था, सडनली देखा कि एक बच्चा डूब रहा है, बच्चा जो है पानी में डूब रहा है, ठीक है। और सुपरमैन का सुपर बुद्धि है ना, वो सोचा कि यहां से आके, सुपरमैन कैसा होता है, ये ऐसा होता है ना, उसका देखे हो आप लोग सुपरमैन, ये सुपरमैन क्या किया, उड़ते हुए आ रहा था, इसको उठाने के बजाय वो क्या करने लगा, बोले कि यार ये डूब रहा है तो ठीक है मैं अपना सुपर बुद्धि लगाता हूं, एक स्ट्रॉ लगा के बोला कि सारा पानी को मैं सोख लूंगा, यहां से सारा पानी को सक कर लूंगा, तो ये कैसे मरेगा, मरेगा नहीं, तो पानी को सक करने लगा। जैसे पानी को सक करके लेने के लगा तो हम कहेंगे कि सुपरमैन के पास तो इनफाइनाइट ताकत है ना, तो बहुत जोर से सक करने लगा, बहुत जोर से सक करने के बावजूद पानी उसके मुंह में नहीं पहुंच रहा है, वो कुछ भी सक नहीं कर पाया, कुछ भी वाटर सक नहीं कर पाया। क्वेश्चन ये है, फाइंड फाइंड फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ एज, वैल्यू ऑफ एज द सुपरमैन कैन नॉट और कैन नॉट सक वाटर। तो क्वेश्चन आपका ये है कि एज का वैल्यू क्या होने से ये पानी नहीं पी पाएगा और सिस्टम को, ये बच्चा को बचा नहीं पाएगा। वैसे वो नीचे आके बच्चे को उठा लेना चाहिए था, लेकिन सुपरमैन है तो सुपर बुद्धि है, तो क्या किया, बोला कि बर रहा है ना डूब के, मैं पानी ही सारा पी लेता हूं तो मरेगा कैसे। सुपरमैन का बहुत ताकत है, पूरा ताकत लगा के स्ट्रॉ लगा के पीने की कोशिश किया लेकिन पी नहीं पाया। बताओ क्या होना चाहिए, हाइट ऑफ द स्ट्रॉ और हाइट ऑफ द सुपरमैन, सोच के आपको बताना है और कमेंट बॉक्स में आंसर डालना है। लाइक एंड कमेंट योर आंसर्स इन द कमेंट। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।